तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 5.1 प्लस के बारे में। अब यार ये इसको कहा जा रहा है कि नोकिया 6.1 प्लस का छोटा भाई है ये। तो भाई ये तो बात तो थोड़ी बहुत सच है, लेकिन यार नोकिया मुझे ऐसा लगता है जो नोकिया ने पहले नाम बनाया हुआ था ना, अब इस मोबाइल लोग को ला कर वो लोग वापस वही नाम बनाने वाले हैं। यार इस मोबाइल में जो जो स्पेसिफिकेशन दी जा रही है और आप लोगों को प्राइस मैं बताऊँगा ना, आप लोग भी हैरान होंगे। और स्पेसिफिकेशन मैं बोल रहा हूँ, नोकिया मुझे यकीन नहीं आ रहा यार इतना अच्छा मोबाइल कैसे निकाल दिया। यार नोकिया का 6.1 प्लस जो मतलब इतना पाकिस्तान में नहीं चला, लेकिन 5.1 प्लस यार ये चलने वाला है बहुत। जिस प्राइस में इन लोग निकाल रहे ना, थम्स अप है यार नोकिया के लिए। क्योंकि यार नोकिया ने एक जो पहले जो नाम था ना, मुझे ऐसा लगता है इस मोबाइल के बाद वो नाम बना लेगी। तो यारो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो नोकिया 5.1 प्लस में, क्योंकि यार इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छे होने वाला है आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यारो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, इसकी प्राइस और इसके थोड़े लॉन्च डेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यारो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो नोकिया 5.1 प्लस में तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार शुरू करते हैं यार डिज़ाइन से। तो यार डिज़ाइन में आप लोगों को, बैक में आप लोगों को, यार मैं आप लोगों को बताऊँ डिज़ाइन वाइज ये बहुत अच्छा है। और नोकिया 6.1 प्लस है ना, आप लोग उससे थोड़ा बहुत कंपेयर करो, क्योंकि उसमें आप लोगों को गिलास दिया गया है, इसमें आप लोगों को फाइबर गिलास दिया गया है। अब होता कुछ यूँ है फाइबर गिलास में, अगर आप लोगों को ऑयली जिल मतलब ऑयली हाथ हुए हैं तो आप लोग उस पर आप उस मोबाइल पर हाथ नहीं रखोगे तो आप लोगों के थोड़े मतलब निशान पड़ जाएंगे, जिसका जिस जो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यार कपड़े से भी आप उसको आराम से साफ़ कर सकते हो। और आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। अब यार प्राइस को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर और भी हैं। इसमें आप लोगों को OS देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड ओरियो 8.1, और आप लोगों को इसमें एंड्रॉयड 1 का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है स्टॉक एंड्रॉयड। आप लोग अगर प्रीफर करते हो तो आप ये मोबाइल बेझिझक होकर ले सकते हो यार, बहुत ही कमाल का एंड्रॉयड 1 का आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को इसमें जितनी भी अपडेट्स हैं 2 साल की अपडेट्स आपको आराम से मिलेंगी इसमें, लेकिन अभी एंड्रॉयड 5 की भी अपडेट इसमें आ जाएगी। और वैसे अगर हम लोग बात करें इसकी मतलब डिज़ाइन वाइज, तो आप लोगों को 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल रहा है इसमें, और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रही है। अभी यार टाइप सी पोर्ट बजट सेगमेंट में अभी तक किसी मोबाइल ने नहीं निकाली, मोटोरोला के मोटो 1 पावर ने निकाली है और नोकिया 6.1 प्लस ने निकाली है। अब हम देखें तो यार ये उससे भी बहुत कम प्राइस में, उससे भी बहुत कम प्राइस में हमारे को टाइप सी पोर्ट दे रहा है नोकिया। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला मोबाइल है जिसमें आप लोगों को इस प्राइस टैग में आप लोगों को टाइप सी की पोर्ट मिल रही है। तो यार अब बात करते हैं यार प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर मैं आप लोगों को बताऊं, ओप्पो F9 में जो प्रोसेसर दिया गया ना, वही प्रोसेसर हमारे को इसमें मिल रहा है। अब यार ओप्पो में हमारे को दिया गया हीलियो का P60 और आप मीडिया टेक का हीलियो P60, और इसमें भी हमारे को मीडिया टेक का हीलियो P60 दिया गया है। और इसमें आप लोगों को GPU देखने को मिलता है माली का G72। अब आप लोग मतलब गेमिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें प्राइस वाइज ओप्पो F9 और इसको नोकिया को, तो यार मैं आप लोगों को बताऊं ओप्पो F9 40,000 रुपये का मोबाइल है, और वैसे इसमें हम कंपेयर करें तो इसकी 25,000 रुपये मतलब एक्सपेक्टेड है। इतनी होगी, इतने में ही मतलब ये मोबाइल आने वाला है हीलियो P60 के साथ। अब यार आप लोगों को AI के मोड्स इसमें देखने को मिलेंगे, और यार ओप्पो F9 मतलब आप लोगों को पता होगा वो कितना महंगा मोबाइल है, और वही प्रोसेसर हमारे को इस प्राइस टैग में देखने को मिल रहा हो जो कि एक कमाल का प्रोसेसर है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो यार अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यार डिस्प्ले में आप लोगों को इसमें 5.9 इंचेस की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले दी जा रही है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। अब अगर हम प्राइस को मतलब प्राइस को देखें तो यार HD रेजोल्यूशन भी कम नहीं है, और आप लोगों को सस्ते में नॉच भी मिल रही है। अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को नॉच भी देखने को मिल रही है। अब इस प्राइस टैग में ओप्पो A5 को ले लो, अगर आप लोग देखें तो उसमें आप लोगों को नॉच देखने को मिल रही है, लेकिन उसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा है। और वैसे हम लोग बात करें इसकी, आप लोगों को इसमें 5.9 इंच की HD रेजोल्यूशन, बस मुझे ये लगा HD रेजोल्यूशन भी यार कम नहीं है। और अगर हम लोग प्राइस को रखते हुए देखें तो यार इस मतलब इस प्राइस टैग में कोई भी नहीं दे रहा फुल HD, तो लेकिन HD रेजोल्यूशन भी कम नहीं है। अब हम लोग Redmi Note 5 Pro से भी कंपेयर करें तो हाँ यार वो दे रहे हैं, Xiaomi वाले दे रहे हैं, लेकिन यार Nokia का एक जो नाम है ना, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को भी ये कहोगे कि मैं Nokia का मोबाइल लूँगा तो आप बोलेंगे हाँ फीचर फ़ोन ले ले अगर, लेकिन जब आप लोग ये बताओगे ना वो लोग भी हैरान होंगे कि यार Nokia ने इतना अच्छा मोबाइल निकाला है। और आप लोगों को इसमें यार बहुत ही कमाल के फीचर और भी देखने को मिलते हैं जो मैं आप लोगों को अभी आगे बताने वाला हूँ। तो यार इसमें आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की भी सपोर्ट मिल रही है। अब यार नोकिया ने ये कंफर्म नहीं किया कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1 मिल रही है, 2 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ।
लेकिन आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की भी सपोर्ट मिल रही है। तो यार वैसे अगर हम लोग बात करें इसके वेरिएंट की, तो यार वेरिएंट में आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। एक है 3 32 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज, एक है 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज। अब यार मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 रुपये में या 20,000 रुपये में आप लोगों को 3 GB वाला मिल जाएगा वेरिएंट 3 GB RAM वाला, और 25,000 रुपये में आप लोगों को मिलेगा 4 GB RAM वाला 64 GB स्टोरेज वाला, मुझे ऐसा लगता है। अब वैसे आप लोग बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि कौन से वेरिएंट देखने को मिलेंगे, या क्या पता पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट आए 4 64 वाला, आप लोग बताना मुझे कमेंट में। अब वेरिएंट का कंफर्म नहीं होगा कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही आएंगे जिनकी मैंने आपको प्राइस पहले से ही बता दी है। तो यार अब बात करते हैं यार कैमरे की। तो यार कैमरे में आप लोगों को बैक में दो सेंसर दिए जा रहे हैं, एक है 13 MP का f2.0 अपर्चर के साथ और एक है 5 MP का जो कि आप लोगों का डेप्थ सेंसर है। वैसे अगर हम लोग फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को एक 8 MP का कैमरा मिल रहा है जो जिसका अपर्चर है f2.2। अब यार वैसे हम लोग बात करें 2018 में, तो यार दो सेंसर तो लाजमी हो गए हैं बैक में, और फ्रंट में आप लोगों को एक नॉच भी देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो आप लोगों को नॉच भी देखने को मिल रही है। अब ये जो नॉच है ना यार वो छोटी हो सकती थी जैसे नोकिया 6.1 प्लस में, लेकिन यार इसमें कई सेंसर हैं और इसकी मतलब थोड़ा डिज़ाइन अलग करने के लिए इसकी नॉच मतलब थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है। और वैसे अगर हम लोग नोकिया 6.1 प्लस से भी कंपेयर करें तो इसमें हमारे को थोड़े बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे नोच थोड़ी बड़ी कर दी है इसमें, और आप लोगों को इसमें मतलब डिज़ाइन वाइज तो मुझे बिल्कुल सेम ही लगा है यार नोकिया 5.1 प्लस। तो यार अब बात करते हैं यार बैटरी की। तो यार बैटरी में आप लोगों को 3060 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। अब यार अगर हम लोग बात करें वैसे तो आप लोगों का एक दिन भी आराम से निकल जाएगा, और अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप लोग आधा दिन आराम से चला लोगे। लेकिन यार बैटरी में अगर हम लोग प्राइस वाइज देखें तो बैटरी भी सही है, और आप लोगों को प्राइस इसकी सही मिल रही है 25,000 रुपये। अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं। तो यार अब बात करते हैं यार प्राइस की, क्या ये आप लोगों को ख़रीदना चाहिए या नहीं इसके बारे में बात करो। तो प्राइस इसकी रखी गई है यार 24,000 रुपये। अब यार 24,000 रुपये में इसकी प्राइस रखी गई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये आप लोगों को ख़रीदना चाहिए यार 24,000 रुपये में, इससे अच्छा मोबाइल आपको नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप लोग अगर इसको ख़रीदना चाहो तो बेझिझक होकर आप ले सकते हो, और इसमें आप लोगों को जो जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है नोकिया, तो यार कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे रहा। ओप्पो का A5 आया वो भी मतलब ऐसा ब्रांड है, मतलब उन्होंने प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया, और आप लोगों को इसमें माइक्रो यूएसबी भी देखने को मिले, जिसमें हमारे को इस ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला मोबाइल है इस प्राइस टैग में जिसमें आप लोगों को टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल रही है। और यार मुझे तो यही लगा है कि आप लोगों को ये बेफिक्र होकर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस टैग में इससे अच्छा मोबाइल नहीं होने वाला। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ यार बताना ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी यार, और अपनी राय का सर कमेंट में करना ज़रूर, और अपना ख्याल रखना यार। फी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।